अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हिना पटेल और आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ चिकन मलाई टिक्का विद ग्रेवी। तो आप इसकी ग्रेवी के साथ में चावल, नान या फिर परोठे भी खा सकते हैं। यकीन मानिएगा, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ ही मैं ऐड कर देंगे हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 3 बड़ा चम्मच। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड कर दिया है। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर 1 चुटकी ले ली थी और इसे अच्छी तरह से क्रश कर कर ऐड कर लिया है अपने हाथों की मदद से। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया है। बटर ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून और फ्रेश क्रीम मैंने अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर दिया है 4 टेबल स्पून। तो मैंने यहाँ पर अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 10 से 12 काजू जिसे मैंने आधा कप पानी डालकर भिगो दिया था 10 मिनट के लिए, और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लिया था। और देखिए मैंने किस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो इसका एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और जो मैंने प्याज तली हुई थी उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे चिकन को। तो चिकन को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर इसे 3 से 4 मिनट के लिए आप फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए, हम इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे अब, जब तक ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो देखिए, अब हमारा चिकन अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे अब। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था एक पैन में और गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। तो ये वही पेस्ट है जो हमने तैयार करके रखी हुई थी प्याज और काजू की। तो इसे हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो जो बॉल में हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी और फिर इसमें ऐड कर देना है हमें। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे तेज़ आंच पर। और नमक हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर फ्राई करने में भी नमक ऐड किया था। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ते ऐड कर देंगे और फिर हम इसे ढक्कन ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाला एकदम अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तेल इसका रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून मस्का यानी बटर, और बटर ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को। तो मैंने यहाँ पर सारा के सारा चिकन इसमें ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेश क्रीम। तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जितना डालोगे इतना टेस्ट बढ़ेगा। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर टी स्पून का यूज़ किया है, ना ही कि टेबल स्पून का।
और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी बनी है, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे हम ढककर भी रख देंगे थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें एकदम अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो देखिए किस तरह से हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ती और ऐड कर लेंगे अब। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ी सी और फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन बेल को। तो यहाँ पर मेरे चैनल का नाम है हीना पटेल की बजट में कुकिंग, तो आपके बजट में ही यहाँ पर कुकिंग मिलेगी आपको। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।